आज थोड़ा मैं एनर्जी कम होगी और थोड़ा अपसेट सा भी हूँ मैं, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि लाइक इट्स बीन 1 ईयर आई हैव लॉस्ट माई मॉम, और मतलब एक भी सिंगल डे नहीं होगा कि मैं उनको मिस नहीं करता हूँ। आई मिस हर अ लॉट और बहुत ज़्यादा कमी खिलती है लाइफ में, बट कोई नहीं यार, इट्स लाइफ एंड वी हैव टू लिव। कोई नहीं, करते हैं इस ब्लॉग को शुरुआत। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू टेक इट इजी ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो उठ चुके हैं मैं और अक्षय भाई। आज थोड़ा जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हमारे मकान मालिक ने आना था, तो उन्होंने थोड़ा हमारा ये यहाँ पे ये फ्लैट दिखाना था किसी को, अपने फ्रेंड को, क्योंकि शायद बेच रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। तो ब्लॉग की शुरुआत करूँगा पहले एक सुविचार के साथ। तो सुविचार कुछ इस तरह से है कि सम टाइम इज़ गुड, सम टाइम इज़ बैड। तो ये लाइनें मेरे ऑफिस में एक भाई है हमारे, अरमान भाई, उनकी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कभी बुरा है तो कभी अच्छा है, बट आपको दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। यू नेवर नो कि किस टाइम क्या हो सकता है। तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है अंकल जी। ओके अंकल, चाय पानी। तो अक्षय भाई भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम काफी ज्यादा जल्दी उठ चुके हैं। जैसा ध्रुव ने बताया, मकान मालिक आए थे, उनको घर दिखाना था। अभी हम जाएंगे नीचे। लक्ष्य ने ये छोड़ के गया था कि अपनी गाड़ी में, मतलब मैं अपनी गाड़ी में इसको लगा लूं। मुझे नहीं लगता ये लगेगा, मैं मना कर रहा था, एक साइज बड़ा होगा। फिर भी हम लेट्स सी हैंड रेस्ट लगता है कि नहीं लगता है, चेक कर लेते हैं। चलो ये देखो, थोड़ा चेंज हो चुका है। अक्षय भाई का बिस्तरा यहाँ से उठ चुका है और यहाँ पे टेबल वापसी लग चुका है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको बिस्तरा चाहिए कि टेबल। अच्छा लग रहा है, वैसे गर्मियाँ आ गई है तो मैं नीचे नहीं सोऊंगा, मैं ऊपर सोऊंगा। पर मैं सोच रहा हूँ कि जब चेंज हो गया है तो शायद ऊपर सोना चाहिए ऐसा। हाँ, पर एक डिसएडवांटेज है, अंदर लाइट बहुत जल्दी आती है। और वो भाई सुबह सुबह वो योगा वाले हमारे, वो जो तालियां बजाते रहते हैं, वो गाने चलते हैं, उधर बड़ी डिस्टरबेंस है और यहाँ पे ना पता नहीं चलता। और मैं यहाँ पे एक वो है कि अगर पर्दा थोड़ा बहुत खुला रहे ना तो बहुत लाइट आती है। यहाँ पे यार नींद अच्छी आती है, शोर नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि यार हम रात भर जॉब करते हैं तो सुबह एक प्रॉपर स्लीप चाहिए जिसमें बिल्कुल भी शोर ना होए। आज तो हम मतलब अप्रोक्सीमेटली सोए हो गए कितना, 3 घंटे, 3 से 4 घंटे। अब 3-4 घंटे सो के अभी ऑफिस जाना है, पर फन फ्राइडे है, कल हॉलीडे है तो इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। ओहो, आंटी ने अभी अभी पोछा मारा है और हमें जाना ज़रूरी है, सॉरी आंटी। अब अक्षय भाई की गाड़ी यहाँ पे तो कहीं खड़ी दिख नहीं रही है, कहाँ पे भाई, कहाँ पे खड़ाई थी आपने? अरे मेरे को खुद याद नहीं है यार, हम भूल ही चुके हैं कि गाड़ी है, वो उधर है। उधर ये वाली हाँ हाँ, आप ना हमेशा यहाँ पे खड़ी करते हो ना, तो मेरे को लगा कि हाँ वाह, साथ में किया खड़ी है भैया, बोल रही है कुछ किया कि भाई वैगनार मुझे क्यों नहीं लिया। मैंने इसको यूं बोल रहा हूँ, आदत पड़ गई है ना उसकी। ये हैंड रेस्ट आता है कि नहीं, लेट्स सी। है नहीं स्पेस? नहीं भाई, वो बंदा भी उस दिन बोल रहा था ना कि नहीं लगेगा, हम लगवा रहे थे जब हमने सीट कवर चेंज करवाए थे वैगनार के। हाँ, तो वी वर प्लानिंग कि हम इसको लगाएंगे, बट हाउ टू एडजस्ट, वेयर टू एडजस्ट, थोड़ा सा सीटों कैसे भी नहीं कर सकते ना, थोड़ा इधर कर दो, फाड़ दो, जैसे तैसे। फाइनली ये हैंड रेस्ट खुलेगा भी है, खोलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब वैसे अगर थोड़ा सा एडजस्ट हो गया ठीक है। पर ये है कि यहाँ पे पीछे ना, क्या अगर तो अच्छा वो रखना हो, रखना नहीं, बंद हो गया एक, थोड़ा सा स्पेस है इसमें से अगर किसी का पैर फंस जाए, पर ठीक है यार, काम चलाओ, बढ़िया है। आपको आ रहा है इसमें सामान रख सकते हैं ना, हमारा फील आ रहा है आपको हैंड रेस्ट का? वैसे इतना पीछे है थोड़ा, ये आगे होता है वैसे ना बेसिकली, यहाँ जैसे हो ना, पर ठीक है, वैसे नॉट बैड। उधर को बैठ, मैं गाड़ी निकालता हूँ ना, सीट बेल्ट लगा के देखो लग रही है। तो देखते हैं अक्षय भाई की गाड़ी का हैंड रेस्ट का फील
फील तो ठीक है यार वैसे, इतना बुरा नहीं है, इस तरह हाफ हाफ आ जाता है। हाँ पर गाड़ी कितनी गंदी है। अब यहाँ देखते हैं सीट बेल्ट। हाँ सीट बेल्ट देखिए, गाड़ी सही में गंदी तो है। दुकाने जाना नहीं, लग गया बढ़िया, बस फिर तो ठीक है, बढ़िया हो गया। अगर हैंड ब्रेक खींचना है तो हैंड ब्रेक भी ठीक है, हैंड ब्रेक के साथ ही गाड़ी चलती है। तो एक ऐसी गाड़ी को एक राउंड मरवा देते हैं बढ़िया सा, क्योंकि बहुत दिनों बाद चल रही है। बात है, आए हैं तो लगे हाथ थोड़ा सा वार्म अप हो जाए गाड़ी का, फर्क है। देख अभी गर्मियां होनी शुरू हो गई ना, हीट फील हो रही है। हाँ अभी गाड़ी स्मूथ चल रही है, और अभी तक जैसे ठंड थी ना, ये वो सो ब्रेक बल्कि मैं इसकी ब्रेक पे बोरा था। ये देख ठीक है, लगती नहीं है एकदम इसकी ब्रेक। देख इसकी ब्रेक को चेक कराना पड़ेगा, देख यहाँ मारना होगा ना, अगर यहाँ एकदम रुकना है। हाँ इसकी ब्रेक खराब हो चुकी है भाई, ये तो बहुत जरूरी है, आपको स्लो ही चलना पड़ेगा, ट्रैफिक हुआ कहीं। मैं तो लेके ही जाऊंगा इसको, मेरे को तो डर लगता है। मैं डेजी थी वगैरह को लेके गया था उस दिन भाई, ब्रेक के नहीं लगी मेरी डर गया मैं ट्रैफिक में, ऐसे चलाऊ लिटरली इतनी स्पीड में यूं फिर आया हूँ मैं। तो भाई अब चलो वापिस, कहाँ आ गए बाहर, चलो यहाँ से काट लेते हैं, यू टर्न ले लो। मेरे को लगता है अक्षय भाई किसी ने ना ये फ्लैट खरीद लिया है, तो रेनोवेशन, पुराना मटेरियल निकल रहा है नया डल रहा है। सही बात, सही है यार, काश हमारा भी होता फ्लैट। मेरे को ना बड़ा शौक है यार कि ना एक फ्लैट और इसको पूरा रेनोवेट करना है अपने हिसाब से। यार ये अपनी एक्टिवा तो देख लो एक बार। हाँ भाई ये देखो मेरी एक्टिवा है, हैदराबाद में भी थी मेरे पास, अब तो ये यूज ही नहीं होती है। इसको मैं कहता हूँ इसको ठीक कराते ना, शाम जब भी टाइम मिले वैसे ही राउंड ब्रोंग मार लिया इसमें। ठीक है वैसे भाई, ये गर्मियों में यही चलाएंगे हम, पर ये है कि ऑफिस में नहीं जा सकते यार, टू व्हीलर इज रिस्की, पर वैसे घूमने के लिए अच्छा है। मैंने तो यार अपना मतलब बचपन टू व्हीलर में काटता है, लाइक टेंथ से लेकर, टेंथ में सीख ली थी मैंने टू व्हीलर। मैं बाहर आया हूँ, किसी ने अपडेट मांगा था कि ये रोज़ वाले फूल कैसे चले, तो रोज़ हमने काट दिए थे, ये थोड़े से अभी ड्राई हो चुके हैं, अब पता नहीं ये स्टिक चलेगा कि नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं, जो यहाँ पे अंडे थे ना, ये बाबरे जो यहाँ अंडे थे, देखो चूजे निकल चुके, इसमें कबूतर बैठा हुआ था, वो अभी वो चला गया उड़ के वहाँ। तो भाई हमारे छोले बने हुए हैं आज, और साथ में लस्सी निकाल दी है, भूख बहुत लगी अक्षय भाई को आज। मेरे को सही में यार सौंफ उठ के ऐसा लग रहा था, बहुत भूख लग रही है। सेवी तो बहुत ही एक्साइटेड हो रखा है, क्या हो गया सेवी, इतनी एक्साइटमेंट कहाँ से आ गई? आज सेटअप में खाना हम इस टेबल में खाएंगे, तो भाई काफी दिनों बाद कुछ अलग कुछ नया देखने को मिल रहा है, नहीं तो और दिन हम नीचे बैठ के खाते थे, अब से टेबल में खाएंगे तो थोड़ा फील अलग होगा। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज निकाल रहा हूँ। क्या? घर का घी। अच्छा, बॉर्नविटा मजा आएगा, और पूरा भर के दिया है गाय का घी। क्या बात है भाई, मजा आ जाएगा आज ब्रेकफास्ट करने में, हेल्दी है, जब दिया है खाना है पड़ेगा, खत्म करेंगे तभी दूसरा आएगा। तो भाई धूप देखो आप, बहुत तगड़ी धूप लगी है आज तो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमें ना आज छुट्टी लेनी पड़ेगी? मेरे को भी यही लग रहा है यार, क्योंकि अब अगर ये फ्लैट खाली हो रहा था, हमें फ्लैट्स देखने पड़ेंगे और। हाँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एकदम हाँ। से कहाँ शिफ्ट करेंगे? तो अभी स्टार्टिंग डेट्स है, तो मे बी शायद कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है मिल ही जाए, क्योंकि आज कितनी, तीन चार तारीख है, 10 तारीख तक मे बी। हाँ तो एक काम करते हैं, तो मामू के साथ चलते हैं, दिखाते कहीं पे, ताकि आज कल परसों 3 दिन मिलेंगे हमें देखने के। ठीक है, अगर कुछ फाइनल होता है तो देखते, नहीं तो बात करते हैं, अगर ये उससे उनसे बात करते हैं कि एक्सटेंड नहीं करते, हमारी लीज भी तो खत्म है ना, उसका वो रेंट भी बढ़ेगा। एक्चुअली बात ये है कि यार हमें ना 1 साल हो गया यहाँ पे, तो अब लीज भी हमारी एक्सटेंड होगी, और 11 मंथ का होता है वैसे रेंट एग्रीमेंट, तो अब हमें फ्लैट्स देख लेते हैं, अभी निकलते हैं मैं और अक्षय भाई पापा के साथ, और उसके बाद फिर लेट्स सी क्या बनता है। तो देखो जी सनसेट हो चुका है, और आज मैं और अक्षय भाई पहली बार, मतलब पहली क्या, बहुत टाइम बाद इस टाइम अपने घर में अवेलेबल है। अभी हम लोग गए थे कुछ फ्लैट्स देखे हैं, तो वो हमें ज़्यादा पसंद आए नहीं, अभी और देखने हैं, अभी प्रॉपर्टी डीलर को बोल रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे जो एक्चुअली जो मज़ा था वो ये था, सामने पार्क है, लाइट पूरी है, प्रॉपर है, धूप है, सर्दियों में भी अच्छा है, गर्मियों में भी अच्छा है, बिल्कुल, और व्यू भी अच्छा है, बहुत खुला खुला है। बाकी जगह जैसे यहाँ दालोटस है, आगे एमिनेंस है, इसकी देखने में ठीक है, पर इनका स्पेस नहीं। ये देखो आप सामने, सामने दिख रहे होगे आपको, एमिनेंस है ये रहा, एमिनेंस वो वाला है, लोटस
इसमें वो फ्लैट्स ठीक है अच्छे, पर वो इतने मतलब आसपास ये चीज नहीं मिलेगी, इतना ओपन नहीं है। ये देखो आप इस टाइम कितना सारा क्राउड आ रखा है, मतलब सोसाइटी मेंबर्स बोल सकते हैं जिन्हें हम, घूम रहे पार्क में। और गर्मियों में तो और बढ़ जाएगा ये क्राउड, धीरे धीरे क्राउड बढ़ जाएगा और गर्मियाँ आनी शुरू हो गई, इससे पता लगता है कितने सारे लोग टी शर्ट और ऐसे भी। कितने कलर वाले फ्लावर्स लगे हैं और ये कितना मेंटेन करते थे, घास उगने नहीं देते फालतू। सही बात है, और वहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं देखो। अब लग रहा है कि मतलब रौनक वापस आई है। हाँ। नहीं तो कुछ ऐसा नहीं हो गया था जैसे लॉकडाउन की वजह से लोग अंदर अंदर रहना शुरू हो गए। सही बात है, ये वेव वो वेव अब खुल के बाहर आ रहे हैं, तो इनको देख के काफी। यहाँ पे देखो हर एक जगह पे ना बंदे है, इधर भी है, वहाँ पे एक अलग से एक ग्रुप बैठा हुआ है। ये देखो सीवी को अब सोच रहे घुमाने ले चले, चले सीवी, सीवी चले, ओ चलो नहीं चलो, खुश हो गया सीवी क्योंकि इसको जाना है, अब इसका टाइम आ गया है। अच्छा जी, अच्छा जी, इतनी खुशी है। ले जाओ इसको, गंदे बच्चे को। चलो भाई, काट रहा था, जा जा, चल चल चल, बात करूंगा। चलो जी चलो, चलो भाई चलो, घूमने चलो, घूमने चलो, घूमने चलो। सीवी तो इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। चलो जी चलो चलो, ये देखो भाई पकड़, भाई ले कैसे जाओ, पहले तो अपनी वॉक करवा देता इतनी ज्यादा। चलो जी चलो, अब हो चुका है सेवी का डिनर टाइम। और यार ये हैप्पी बर्थडे ना गिर गया है अब, क्योंकि काफी, हाँ क्योंकि काफी टाइम से किसी का बर्थडे नहीं आया है, तो इसने सोचा कि मैं भी गिर जाता हूँ। रो रहा है, इसको भूख लगी है। ओ बिट्टू बस दे रहे तुझे, और यहाँ पे इकट्ठे किए। अब इसका क्या करना है, इसको हवा निकाल के रख दे या फिर वापिस लगा दे? तो सोचा कि थोड़ा घूम फिर लेते हैं यार, कब से घर पे पड़े आदत है ना तो घूमने की। सही बात है, आज ऐसा खाली खाली लग रहा है क्योंकि आज छुट्टी ले ली थी, तो सारा दिन ऐसे ही चला गया था, पिछले कल सोए भी नहीं थे तो नींद अभी आ नहीं रही है। तो सोचा बाहर जाके थोड़ा सा राउंड मार आते मार्केट में, देखते क्या चहल पहल है, पर बंद है सब कुछ अभी। बाकी हम कुछ खा भी सकते हैं, क्यों परांठे 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 क्या बोलते हो, खा सकते हैं, पर घर पे बना है अभी खाना यार, वेस्ट हो जाएगा। हाँ वो भी यार वेस्ट हो जाएगा। देख रहे होगे कि हाथ दिखा रहे, ये तो बोले आ जाओ ढाबे में खाने खाने, पर ग्रुप को वैसे ही एक्साइटमेंट हो जाती है कि हाँ बुला रहे चलो, अभी घर पे बना हुआ है बहुत कुछ, तो वो भी खाना बाकी है। वेस्ट करना अच्छा नहीं है, तो वेस्ट नहीं करेंगे हम, खाएंगे। भाई यहाँ से हम वापस जा रहे हैं उधर, अक्षय भाई भूल चुके हैं चाबी घर की, तो अब वापस चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में ही गिरी है कि कहीं और गिर गई है। लेट्स सी, ये भी एक मिस्ट्री है। अभी तक ये गाड़ी चूं चूं कर रही थी, हम पूछ रहे थे ये क्यों कर रही है चूं चूं, मुझे लग रहा है इस गाड़ी का चूं चूं करने का इशारा ये था भाई तुम चाबी भूल चुके हो। है ओह माय गॉड, ये ऐसे है ना छोटा सा, अच्छा तो ड्राइविंग करते हुए ऐसे को निकल गया होगा। मुझे लगा यार अगर वो बाहर छूट गई ना कहीं, सही बात है, कैसे जाएंगे, से भी अंदर है हम बाहर है। ये तो है कि मामू भी बाहर है, उनके पास चाबी होगी एक, पर उनको बुलाना इस टाइम पे ये एक चैलेंज है, पर चाबी मिल चुकी है। भाई घर पहुंच चुके और अक्षय भाई आते ही फ्रिज में टूट पड़े हैं। गरम कर लेता हूं ना, टाइम लगेगा तो गरम कर लेते हैं। बाकी यार आज का व्लॉग थोड़ा छोटा ही रहा है, तो माफ करिए उसके लिए। आज क्योंकि ओनर आए थे, फ्लैट दिखा रहे थे और हमें भी फ्लैट देखने थे, थोड़े फ्लैट देखे और थोड़ा सा यहाँ पे उन लोगों को भी एंटरटेन किया। अगर बिक जाएगा तो नया लेना पड़ेगा, अगर नहीं बिकेगा तो अंकल से हमने बात की है थोड़ी बहुत की, थोड़ा एक्सटेंशन दे दे क्योंकि अब अचानक से शिफ्ट करेंगे, जल्दी जल्दी कुछ मिलेगा भी नहीं और फिर इतना सामान है लेके जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो यार मुश्किल तो होएगी, बट लेट्स सी क्या होता है। बट अभी ये व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखते रहिए टेक इट इजी व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स।